बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप पर अल्लाह पाक की हज़ारों रहमतें और बरकतें नाजिल हों और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम अमीन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई हवाब लेकर आई हूँ, हवाब में शराब का देखना। जो लोग हवाब में शराब देखते हैं या शराब को पीते हुए देखते हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि इस हवाब की तबीर क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, इस हवाब की तबीर को बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का भी निशान है इसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी हवाब की तबीर हो या कोई वजीफ़ा हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। और फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आज के अपने नए हवाब की जानिब, हवाब में शराब का देखना। हज़रत इब्ने सलीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि शराब माले हराम है, अगर देखे कि शराब के दरमियान गया है दलील है कि फितना पड़ेगा, और अगर देखे कि शराब को पीता है दलील है कि इस कदर माले हराम पाएगा, और अगर देखे कि शराब पकाता है और पीता है दलील है कि माले हराम रंज और मेहनत से हासिल करेगा, और अगर देखे कि इसके घर में बहुत सी शराब है दलील है कि इस कदर कसान से नफ़ा पाएगा। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अगर देखे कि शराब मिलाता है और पीता है दलील है कि माले हराम और माले हलाल मिला जुला पाएगा, और अगर देखे कि शराब फरोख्त करता है दलील है कि हराम चीज़ पर फरोख्त करेगा और ब्याज देगा, और शराब पीने में हैर नहीं है और हाकिम के लिए मजूली की दलील है, और खजूर की शराब गमवंदा है। हज़रत जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हवाब में शराब तीन वजह पर है, नंबर एक हराम, नंबर दो नका, और नंबर तीन इस जहां की नेमत। और हवाब में शराब फरोख्त करने वाला आदमी ऐसा है जो जंग और फितना का तालिब है। फ्रेंड्स, आज की ये हवाब की तबीर यहाँ तक थी। अगर आज की ये हवाब की तबीर आपको अच्छी लगी है इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको जो भी हवाब की तबीर बताती हूँ वो सच्ची और हकीकी हवाब की तबीरें हैं, ना मैं अपने से कुछ बताती हूँ, यहाँ पर जो लिखी हैं सच्ची और हकीकी तबीरें हैं। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इतनी देर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हवाब या वजीफ़े के साथ। अल्लाह हाफिज़।